हेलो नमस्कार, आप सभी का एक नए फ्रेश ब्लॉग में स्वागत है। हर दिन की तरह आप सभी के बीच में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो बनेगी मेरी आज हॉटेंसर सूप के ऊपर। हॉटेंसर सूप यानी ठंड का टाइम आने वाला है और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हमें नीड होती है कि हम किस तरह गर्म चीज़ें मतलब खा सकें। तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए एक स्वादिष्ट डिश लेके आया हूँ, हॉटेंसर सूप। आप इसे घर पर किस तरह बना सकते हैं आसान तरीके से आप सभी को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहें और देखने में मेरे इस पूरे वीडियो को, ताकि आप सभी इसे घर में आसानी से बना सकें और ठंड के टाइम पर इस सूप का जो है आनंद ले सकें। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और क्या क्या डलेगा प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो हॉटेंसर सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या होगा वो आप सभी के बीच में मैं शेयर करूँगा। तो हमें हॉटेंसर सूप बनाने के लिए, अभी ठंड का टाइम आ रहा है तो इस टाइम पर जो है हॉटेंसर सूप बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है और इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए गार्लिक, सबसे पहले गार्लिक चाहिए क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। तो ठंड के टाइम पर अगर आप गार्लिक इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो काफ़ी आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और हमें थोड़ा सा चाहिए अदरक, हमने इसे बारीक चॉप कर लिया है। और थोड़ा हमें चाहिए हरी मिर्च क्योंकि वो चटपटा होना चाहिए। और थोड़ा हमें चाहिए मिक्स वेज में हमने काट लिया है गोभी और गाजर, तो आप इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने स्वाद के लिए थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दिया है। तो इस प्रकार हमें जो है बारीक चॉप कर लेना है। ये हमारा जो है इंग्रेडिएंट्स हो गया पूरा अच्छी तरह। और इसके बाद हमें जो इसका मेन रेशियो है वह है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें भिगा लिया है। कॉर्नफ्लोर आप मार्केट से ले सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आप कॉर्नफ्लोर लेंगे तो इसे हल्का पानी में डाल के इस तरह भिगा लें क्योंकि ये मेन चीज़ है, ये जो है सूप को थोड़ा सा गाढ़ा करता है। तो इस तरह ये देखिए आप, ये हमने इसमें ये पूरा कर लिया। तो अब हम सीधे चलते हैं, बस इतना हमें चाहिए। और इसके बाद मसाला जो जो ऐड होगा वो आप सभी के बीच में मैं शेयर करता हूँ। तो इसके बाद हम चलते हैं सीधे फ्राई पैन और हमारे शेफ साहब की तरफ। आज हमारे शेफ साहब बनाएंगे तो इसमें क्या क्या डलेगा वो अच्छी तरह बहुत ही स्वादिष्ट जो मनचाओ सूप है वो आप सभी के बीच में शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल आप थोड़ा सा डालें, ज़्यादा ऑयल मत डालें क्योंकि ज़्यादा ऑयल डालोगे तो आपको तेल ही तेल दिखेगा। तो जो जो मैंने अभी गार्लिक और अदरक आप सभी के लिए चॉप किया हुआ था वो सब इसमें हम डाल देंगे। देखिए आप, ये सब हम स्वादानुसार डालेंगे। तो पूरा अच्छी तरह हम इसे घुमा लेंगे, हल्का सा इसे ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम इसे ब्राउन होने देंगे। तो आप लोग देखिए, ये हमारा जो गैस फ्लेम है ये काफ़ी तेज़ होता है। तो इस प्रकार हम इसमें देखिए इसमें, तो हम इसमें डाल देंगे जो मेन इसका है वो पानी। तो इसमें इस तरह हम पानी हल्का ऐड कर लेंगे। हमें ये बनाना है दो लोगों के लिए। तो इसके बाद हम इसमें मिक्स वेज डाल देंगे। मिक्स वेज आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह डालेंगे तो इसका स्वाद अलग आएगा। अगर आप फ्राई करेंगे तो उसमें जो स्वाद रहेगा वो पूरा फ्राई का आइटम है। तो इस प्रकार आप इसे हल्का इसमें पका लें। पानी के साथ पकाने में जो है स्वाद वो अलग ही रहता है। तो इसमें हम हल्का सा सॉल्ट डालेंगे और वाइट पेपर डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें विनीगर डालेंगे हल्का सा। और मेन है इसको जो इसमें ब्लैकनेस लाने के लिए इसमें हल्का सा हम सोया सॉस डाल देंगे। और थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। अगर आपके पास ग्रीन चिली नहीं है तो आप रेड चिली यूज कर सकते हैं हल्का सा। और इसका जो मेन स्वाद रहता है वो रहता है ब्लैक पेपर का। तो ब्लैक पेपर आप इसमें, हॉटेंसर सूप है तो ब्लैक पेपर का जो स्वाद है वो ज़रूर इसमें ब्लैक पाउडर ज़रूर डालें। तो इसे, तो अब हम इसमें जो हमने अभी कॉर्नफ्लोर भिगा के रखा था वो देखिए आप, तो उसको हल्का सा हाथ से यूँ कर लेंगे नीचे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो जम जाता है। तो उसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें इसको हल्का सा डालेंगे। उसके बाद हम, अगर आपके घर में रेड चिली है तो आप, हमने तो यहाँ ये बना रखा है रेड चिली जो इसका मेन पेस्ट होता है रेड चिली का, क्योंकि ये बनाने की विधि अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा। तो आप ये देखिए आप, तो इसमें हम हल्का सा मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन लाने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर यूज करेंगे। तो इसका जो स्वाद है वो अलग ही रहेगा। और ठंड के टाइम पर आप इसे पी सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल हैं और वेजिटेबल जो है शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस प्रकार हम इसे बना लेंगे। तो हमारा जो सूप है वो रेडी हो चुका है। आप देखिए इस तरह आप हॉटेंसर सूप का जो है आनंद ले सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है पीने में। अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही
स्वादिष्ट लगेगा। और इसमें हम हल्का सा पनीर ऐड कर देंगे और जो इसकी स्वाद है वो और इसमें दो चांद लग जाएंगे। तो हमारा जो है हॉट एंड सर सूप बन के रेडी होता है। तो इस प्रकार हम लोग किचन में जो है वो हॉट एंड सर सूप बनाया और नई नई रेसिपी आप सभी को मिलती रहती हैं। तो हमारा जो भी है थोड़ी सी इसमें साउंड की दिक्कत होती है, पीछे बैक साउंड ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें ये है कि आगे पीछे यहाँ पर जितने भी अगर बर्तन बजे ना तो ये सारे डायरेक्टली क्योंकि किचन हमारा क्लोज है तो सारा साउंड जो है वो इसमें आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि हॉट एंड सर सूप किस तरह बनाएं और घर पर आसान तरीके से आप इसे ठंड के टाइम पर ज़रूर बनाएं। अब ठंड आने वाली है तो ठंड के लिए बेहतर सबसे स्वादिष्ट डिश है आप सभी के लिए। तो मिलते हैं और किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।